मुंबई के क्षेत्र में ठाणे डिस्ट्रिक्ट में दोनों एक कनेक्शन है, त्याला तीन तीन ओला मारता आणि बाढ़ाने पानी जाता। इस वक्त हम लोग मुंबई के बांद्रा ईस्ट में हैं। स्कूल के छात्रों के लिए फाइट बैक एसोसिएशन ने तो पहल की है, लेकिन सरकारी अधिकारी कब पहल करेंगे? उसकी तकलीफ होती, सांस लेने को नहीं होता। आवाज आपकी। नमस्कार, मैं हूं प्रेमलता मौर्य, स्वागत है आपका आवाज आपकी में। इस समय हम 170 वार्ड में खड़े हैं, जहां हमारे साथ रफीक इंद्रसी जी मौजूद हैं, जो यहां पर कई सालों से काम कर रहे हैं लोगों की भलाई के लिए। यहां पे अगर हम बताएं तो सबसे बड़ी समस्या यहां पे ट्रैफिक की है, क्योंकि यहां पर आने जाने के समय काफी ट्रैफिक लग जाता है। हमारे कैमरामैन प्रकाश जी से मेरा अनुरोध है, एक बार वो यहां पे कैमरा घुमा के लोगों को दिखाएं और उसके बाद यहां पर दिखाएं कि किस तरीके से यहां पर जो है गाड़ियां जो है अन तरीके से खड़ा किया जाता है, जिसकी वजह से यहां पर बड़ी समस्या होती है ट्रैफिक की। यहाँ पर छोटे बच्चों का स्कूल आने जाने का भी समय जब होता है तो यहाँ पर भारी मात्रा में ट्रैफिक लगता है, जिसकी वजह से कई हादसे हो जाते हैं। यहाँ के लोग इस बात से परेशान हैं कि क्या आखिर इसी तरीके से यहाँ पर ट्रैफिक लगा होगा। यहाँ पर जिस तरीके से अन्य जगहों पे हमने जिस तरह से सर्वे किया है, वहाँ पर देखा गया है कि पानी की समस्या हो या बिजली की समस्या हो या सड़क की समस्या हो, वो तो है ही, लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या भी काफ़ी दिनों से लगातार बनी हुई है। रफीक जी से हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके की ट्रैफिक की वजह से लोग यहाँ पे परेशान है और क्या क्या समस्याएं यहाँ पर लोगों को देखने मिल रही है। इधर मीटर गटर पानी की समस्या है, मीटर की गटर की इधर ज़्यादा समस्या है। और इधर हमारे जो नगर सेवक है, उन्होंने आज तक 5 साल हो गया कुछ किए नहीं, और जो भी है हमारे जो एक्स MLA थे, उन्हीं के थ्रू हम लोग इधर काम करते थे। मिलिन अन्ना कामले साहब थे, उनके थ्रू हम लोग काम करते थे, बाकी इधर आज तक किसी ने इधर कुछ काम किया नहीं है। हम जानना चाहेंगे सर, क्या क्या समस्या अब तक आपने यहाँ पे, काफी सालों से आप रहते हैं, तो क्या क्या समस्या यहाँ पे सबसे बड़ी यहाँ की समस्या है बताइएगा, लोगों को रूबरू कराना है हमको कि किस तरीके की समस्या यहाँ पर लगातार बनी हुई है। ये मजमा जो आप देख रहे हैं, ये रफीक इंद्रसी की कोशिशों ही का नतीजा है, ये उनकी अथक मेहनत का नतीजा है। जो आप देख रहे हैं कि आज एक इतना बड़ा मजमा उनकी हिमायत में खड़ा हुआ है। इस मोहल्ले कुरैश नगर की कौन सी ऐसी समस्या है जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से नहीं जुड़ी हुई है? हर समस्या यहाँ वाबस्ता है, हर समस्या यहाँ से जुड़ी हुई है, चाहे वो पानी का मसला हो, चाहे वो ट्रैफिक का मसला हो, चाहे वो गटर का मसला हो, चाहे वो रोशनी का मसला हो, चाहे वो एजुकेशन तालीम का मसला हो, बहरहाल हर मसला यहाँ इस कुरैश नगर से जुड़ा हुआ है। दर्शना शिंदे यहाँ की नगर सेविका है, शिवसेना से है वो। जिस तरीके से BMC की अगर हम बात करें तो उनकी सत्ता वहाँ पर बनी हुई है, लेकिन अब तक वो लोगों की समस्याओं का निवारण यहाँ पर नहीं कर पाई है। यहाँ पर हमारे साथ महिलाएं भी हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिर क्या क्या समस्याएं यहाँ पर उन्हें देखने मिली अब तक। सबसे पहले तो आपसे जानेंगे क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पर। यहाँ पर सबसे ज्यादा पहली समस्या है कि जो महिलाओं को स्कूल में जाते, हमारे बच्चों को, महिलाओं का जो प्रसव होता है डिलीवरी के टाइम पे, यहाँ से लेके जाने के लिए जो जो समस्या महिलाओं को होती है वो महिला ही जान सकती है। यहाँ की नगर सेविका को तो हमने अपन याना पायलट का वही हिसाब से हम तो समझते हैं कि आज तक हमने उसको कभी एरिया में देखे नहीं। हमारा भाई इद्रिसी है, वो हमेशा लेडीज लोग की समस्या में हर हाल में, रात को 2 बजे भी आप फोन कीजिए, कभी भी कीजिए, वो हमेशा वक्त पे पहुंच जाएगा। हमारा XML मिलिन अन्ना कामले, जो हमेशा 24 आवर्स आपको उसके फोन पे मिलेगा। मगर जो ज्यादा से ज्यादा महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा का भी सवाल है, तो यहाँ मेरे हिसाब से मुस्लिम बहुल एरिया है, इसीलिए क्या होता है कि बच्चों पे या महिलाओं पे ज्यादा तवज्जो देती नहीं है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर हम देखें यहाँ पर काफी, आप कैमरामैन से हम अनुरोध करते हैं एक बार यहाँ पे ट्रैफिक की समस्या दिखाएं, किस तरीके से यहाँ अवैध तरीके से जो गाड़ियां पार्क की जाती हैं, और यहाँ की सड़कों की हालत हम आपको दिखाते हैं किस तरीके की है, कि जगह तो काफी गड्ढे भरे हुए हैं, सड़क जो है यहाँ पे बहुत कम दिखाई दे रहा है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ पे गंदगी का भरमार लगा हुआ है, लेकिन नगर सेविका को इतना भी समय नहीं है कि वो लोगों के बीच में पहुंचे और उनकी समस्याओं को सुने और उसे सुलझाने की कोशिश करें। आपसे जानेंगे क्या क्या समस्याएं यहाँ पर हो रही हैं। अगर हम बात करते हैं नगर सेविका की, वो शिवसेना से है, शिवसेना की सत्ता जो है BMC में है, फिर भी उसके बावजूद जो है यहाँ पर इस तरीके की समस्याएं हो रही है। नगर सेविका को हमने जिस दिन चुन के आई उसी दिन उसको देखा है, वहाँ से आज तक उसे देखा नहीं, खाली गाड़ी में घूमते हुए देखा है। लेकिन एरिया में जो कुछ काम है लेडीज़ लोगों के लिए, हर एक वार्ड में, मैं तालुका अध्यक्ष हूँ यहाँ की, लेकिन मैं जो जो वार्ड में घूमती हूँ, हम
163 पहला वार्ड था, अभी 170 हुआ है, लेकिन पूरे एरिया में लोग कहते हैं हम लोग आज तक नगर सेविका को देखा नहीं। हम लोग दोनों एक साथ पर रफीक जी को लोग काफी मानते हैं क्योंकि उनका कहना है कि समाज सेवक के तौर पे वो लगातार लोगों के बीच में पहुंचते हैं और उनके लिए काम करते हैं। आपसे जानेंगे क्या समस्याएं हैं यहाँ की, कितने सारे लोग हैं यहाँ पर, क्या आप लोगों की किसी तरीके की समस्याएं हो रही है? समस्या ही समस्या है यहाँ पे, हर गली हर कूचा हर नुक्कड़ यहाँ इतनी गटर पानी लाइट और गंदगी इतनी है कि कोई नगर सेवक आता नहीं, काम करने देखता नहीं, सिर्फ 5 साल में एक बार आते वोट मांगने के लिए, वोट मांगने के बाद चले जाते, यहाँ कोई किसी का रेवल करने आता नहीं, सिर्फ वोट मांगने के लिए आता है। रफीक इदरीसी साहब ऐसे एक नेता है जो 20 साल से इस मोहल्ले के लिए अपना योगदान दे रहे हैं इस मोहल्ले को, और हम लोग चाहते हैं कि रफीक इदरीसी साहब को राष्ट्रवादी पार्टी से 170 से टिकट मिले, 170 से वो चाहते हैं कि इस बार रफीक जी खड़े हों। आपसे जानेंगे जिस तरीके से लोग यहाँ पर भड़के हुए हैं कि नगर सेविका समय पर यहाँ पर आती नहीं है, जिस तरीके से हम भी यहाँ का नज़ारा देख रहे हैं काफ़ी गंदगी भरा है, तो क्या आप लोग किस तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं? इस बार हम लोग यहाँ के जो मोहल्ले के हैं 170 के जो रहवासी हैं, उन्होंने एक बात तय कर लिया है कि अब की हमें लोकल उम्मीदवार चाहिए, कि यहाँ पे 20 साल से ये कुरेश नगर बेहाल है, लेकिन हमने एक नारा लगाया कि लोकल उम्मीदवार हमको चाहिए। रही बात 1977 के बाद से कोई ऐसा नगर सेवक हमारे मोहल्ले का जीता नहीं, और अब तक 32 साल गुजर गए, दोनों तरफ जो है शिवसेना के नगर सेवक आते हैं जीत के, लेकिन वो अपने एरिया का काम करते हैं और इस कुरेश नगर को एकदम यतीम बना के छोड़ देते हैं। बल्कि रफीक इदरीसी एक ऐसा वाहिद हमारा साथी है कि जिनको हम बोलते हैं कि भाई ये हमारे प्रॉब्लम है, तो अपने लेवल पर वो काम करके देते हैं। आपसे जानेंगे जिस तरीके से यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि कई सारी समस्याएं, लेकिन नगर सेविका को इतना समय नहीं है कि लोगों के बीच पहुंचे और उनकी समस्याओं को सुने, तो क्या चाहते हैं आप, किस तरीके से नगर सेवक जो हो वो काम करें? ये यहाँ मुस्लिम अक्सरियती इलाका है, यहाँ शिवसेना हमेशा इस एरिया को नज़रअंदाज करती रही है। हम यही चाहते हैं कि हम में से कोई ऐसा उम्मीदवार आए जो हमारे दुख दर्द को समझे, हमारी तकलीफ़ों को महसूस करे और वह हमारे लिए, हमारी तकलीफ़ों के निवारण के लिए काम कर सके। तो रफीक इदरीसी हम में से ऐसे शख्स हैं जिन्होंने जब से इस फील्ड में सामाजिक खिदमत के फील्ड में काम किया है, लोगों के बिना किसी फायदे की खिदमत पेश की है उन्होंने। हम ये चाहते हैं कि वो BMC में आए और इस मोहल्ले को सुधारने की कोशिश करें। जी बिल्कुल, सब चाहते हैं कि इस बार नगर सेवक उनके आसपास का हो, जो उनके बीच में रहता हो, इस तरीके से लोग आए उनके पास में। जिस आपसे जानेंगे जिस तरीके से अगर हम ट्रैफिक की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो महिलाओं को होती है, तो किस तरीके से आप लोग उससे उलझते हैं या उसे सुलझाने की कोशिश करते हैं? अक्सर ऐसा होता है कि यहाँ ट्रैफिक ऐसी है कि देखिए आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ कितनी टैक्सियाँ खड़ी है, यहाँ आने जहाँ आगे बंटर भवन है, वहाँ भी कॉलेज में स्टूडेंट्स जाते हैं, लड़कियाँ जाती हैं, उर्दू स्कूल्स हैं वहाँ भी बच्चियाँ जाती हैं, माँ लोग हमेशा इतनी परेशान रहती है, कभी बुरखे में ज़्यादातर हमारी महिलाएं कुरेश नगर की रहती है, जब वो बच्चे को लेकर चलती है रिक्शे वाले आड़े टेढ़े आते हैं, वो इस तरह से हैरेसमेंट करते हैं कि वो ही खुद जान सकती है कि उसको क्या प्रॉब्लम है, और वो अपना दुख दर्द किसको बता नहीं सकती कि हम किस तरह से हमारे बच्चों को स्कूल, जवान जवान बच्चियाँ हमारी जब कॉलेजों में जाती है रस्ते में इस तरह से हालात है, खड्डे खुड्डे भी इतने रहते हैं, कचर पट्टी भी यानी गंदगी भी इतनी है कि बच्चों को उनकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। तो मेरा तो यही मानना है कि आने वाले समय में ऐसे समाज सेवक रफीक इदरीसी जैसे लोगों को यहाँ पर लोकल लोगों को दिया जाए कि जो हर दफा हर गली हर मोहल्ला का उसको मालूमात होता है कि किधर क्या हो रहा है। NCP से इस बार ऐसा टिकट लेना चाहते हैं कि लोग उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करें, और यहाँ के रहने वाले लोगों का कहना है कि ऐसे लोग यहाँ से चुन के आए जो यहाँ पे रहे हो, उनकी समस्याओं को जानते हो, गली और मोहल्ले से उनके वाकिफ हो। रुकते हैं यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। आज मोहल्ले के लिए जो कुछ होगा हम लोग वो काम करेंगे, चाहे हम लोग को मोर्चा निकालना पड़े, आंदोलन की शक्ति इख्तियार करना पड़े, या किसी भी चीज़ का कैसा भी आंदोलन हो हम लोग करने को तैयार है, और हम लोग अभी आज के बाद ये ठान लेते हैं कि हम लोग मोहल्ले का ही कैंडिडेट चाहिए हम लोगों को। आवाज आपकी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस समय हम खड़े हैं वार्ड नंबर 170 पे, जहां पर यहां के लोग इस समस्या को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से नगर सेविका इलेक्शन के बाद उनके बीच अब तक नहीं पहुंची है। उनका मानना है कि केवल वोटिंग के समय यहां पर आई थी, उसके बाद अब तक उनका चेहरा यहां पर दिखाई नहीं दिया गया है। और भी लोग हैं, बुजुर्ग हमारे साथ एक मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे जो कई सालों से यहां पर रह रहे हैं, क्या क्या समस्याएं आपने अब तक देखी है यहां पर? यहां पर तो बहुत बुरी समस्या, यहां कोई नहीं जो आज तक ऐसा किया। अब रफीक भाई हमारे आए हैं इस वार्ड के, बहुत काफ़ी मतलब
और हम उनको चाहते हैं कि उनको टिकट मिले और वो आए और उस मोहल्ले पर जो है मतलब ध्यान देंगे, वो काम करने वाले हैं। क्या समस्याएं हैं? समस्या तो यहाँ किस किस चीज़ों की तकलीफ हो रही है? तकलीफ पानी की, तकलीफ गटर की, तकलीफ आने जाने की, तकलीफ रास्ते की, तकलीफ तमाम बातों की तकलीफ है, हॉस्पिटल की तकलीफ। आप लोग पहुंचे थे कभी जब ये सारी समस्या हो रही थी, आप लोग उन तक पहुंचे? हाँ पहुंचे क्यों नहीं भाई, बहुत जाने वाले बहुत से गए वहाँ पर, मगर कोई चीज सुनवाई नहीं है यहाँ पर, इस मोहल्ले पर कोई सुनवाई नहीं है। आपसे जानेंगे जिस तरीके से लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि काफी गंदगी है, पानी की समस्या है, सड़कों की समस्या है, तो क्या आप लोग नगर सेविका के पास गए थे, अपनी समस्याओं को उन्हें बताया था आपने? हाँ नहीं, यहाँ तो तमाम लोग जाते हैं नगर सेवक, जो भी सेवक है नगर सेवक जो है उनके पास जाते हैं, बताते हैं हालत, लेकिन वो लोग बोलते हैं आज नहीं कल हो जाएगा। लेकिन यहाँ के लोगों के जो कुरेश नगर के लोग चाहते हैं कि भाई यहाँ का स्थानीय जो है उसको टिकट दिया जाए, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जिनका वोट यहाँ है, जो स्थानीय है जिनका वोट यहाँ है, उनको ही टिकट मिलना चाहिए। और रफीक साहब को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, कई साल से जानता हूँ, इधर पानी की समस्या कुरेश नगर में हुई थी, जिन्होंने वहाँ एल वार्ड में जाके हाथापाई की जो नहीं करना चाहिए था, उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए हाथापाई की और इवन ऐसा हुआ कि उनके नाम पर केस भी बना। लेकिन यहाँ के लोगों के लिए इन्होंने कुरेश नगर में अपना एल वार्ड में जाके पानी के लिए बहुत जद्दोजहद की और इनको यहाँ के हर चीज़ मालूम है, गली एरिया हर चीज़, क्योंकि यहाँ के रहने वाले हैं। तो मैं भी यही चाहता हूँ और लोग भी यहाँ के चाहते हैं कि यहाँ के स्थानीय को मिले, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जिनका वोट है यहाँ, ये नहीं कि बाहर के लोग आए कुरला के कहीं से भी आए कि भाई कुरला में रहते तो यहाँ भी मिलना चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ जिनका वोट यहाँ है उनको ही मिलना चाहिए और मेरे हिसाब से रफीक इदरीसी जैसा कोई उम्मीदवार उनके मुकाबले में है ही नहीं। जी बिल्कुल, आपसे सर जानेंगे इस तरीके से लोग बता रहे हैं कि आप इस तरीके के काम करते, तो कभी नगर सेविका के पास आप गए ऐसी समस्याओं को लेकर जिसका निवारण उन्होंने निकाल के दिया हो या कुछ समस्याओं को सुलझाने की कोशिश की हो आपके साथ मिलकर? गए, आश्वासन दिया, बोले हाँ आज काम हो जाएगा, कल काम हो जाएगा, नहीं हुआ। लास्ट में पानी के लिए हम लोग को बीएमसी में तोड़फोड़ करना पड़ा और तोड़फोड़ करने के बाद मई का महीना था, 12 तारीख थी और उस मई के महीने में आप लोग खुद जानते हो कि पानी की कितनी तकलीफ रहती है, लेकिन बीएमसी तोड़फोड़ करने के बाद में 2 घंटे में पानी आ रहा है, वो पानी कहाँ से आया? मैं बीएमसी से सवाल करता हूँ, वो पानी कहाँ से आया भाई? जब मई के महीने में आप लोग बोलते हो कि भाई 10% पानी कम हुआ, 20% कम हुआ और उस दिन से पानी आया, पानी आज तक गया नहीं। आज मोहल्ले के लिए जो कुछ होगा हम लोग वो काम करेंगे, चाहे हम लोग को मोर्चा निकालना पड़े, आंदोलन की शक्ति इख्तियार करना पड़े या किसी भी चीज़ का कैसा भी वो आंदोलन हो, हम लोग करने को तैयार है और हम लोग अभी आज के बाद ये ठान लेते हैं कि हम लोग मोहल्ले का ही कैंडिडेट चाहिए हम लोगों को। बिल्कुल, कैंडिडेट यहाँ का चाहिए, भले वो किसी भी पार्टी का हो। यहाँ पर और महिलाएं हैं, उनसे जानेंगे जिस तरीके से इन्होंने कहा कि यहाँ के लोग जो हैं, जो यहाँ पे रहकर इस तरीके की समस्याओं को झेलते हुए बचपन अपना गुजारा है, तो अगर ऐसे लोग अगर कैंडिडेट बन के आते हैं तो क्या ज़्यादा प्रेफर से वो यहाँ पर काम कर सकते हैं, ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर सुलझाने की कोशिश हो सकती है जिस तरीके से बाकी, अगर यहाँ की अगर नगर सेविका की अगर हम बात करें तो आप लोग जिस तरीके से बता रहे हैं इलेक्शन के बाद वो अब तक यहाँ पर नहीं आई हैं, तो क्या ऐसे लोग अगर आते हैं तो वो अपने मोहल्ले इलाके और अपने जो समाज का अगर हमें कहें आईना बन सकते हैं? अगर आप 5 साल यहाँ पर आते नहीं, कुछ देखते नहीं लोगों का क्या मसला है, लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पानी है, गटर नाल सब कुछ काम है, लेकिन आप कभी आके देखते ही नहीं और जब भी इलेक्शन आ जाता है तभी आप लोग आके यहाँ पर खड़े रहते और आप वोट मांगते काय के लिए, आप रहते दूसरी जगह, यहाँ पर वोट मांगने आते टिकट मांगने के लिए, ये नहीं चलेगा। पार्टी को यही सोचना चाहिए कि जो कैंडिडेट यहाँ रहते हैं, बचपन से रहने वाले, अभी रफीक इदरीसी जो है यहाँ सा बचपन गुजारा है, उसको पूरा मालूम आता है यहाँ की क्या लोगों की समस्या है, वो जान सकता है, इसीलिए यहाँ का कैंडिडेट जरूरी है। और हमारे इसके 5 साल पहले हमारे MLA मिलिन अन्ना कामले जी ने 40 साल में कभी पहाड़ी पे पानी गया नहीं आता, लेकिन उन्होंने अपनी वजह से सब कार्यकर्ता लेके तोड़फोड़ करके ऊपर तलक पहाड़ी तलक पानी पहुंच गया, लोगों को पानी मिलता था, आराम से लोग पानी भरते थे, रात रात जाग के वो लोग पानी लाते थे कहाँ कहाँ जाके, लेकिन अन्ना के कार्यकर्ता 5 साल में वो लोग आराम से पानी भरते थे और पूरे पूरे पहाड़ी पे हमारे मिलिंद अन्ना ने पूरे पहाड़ी पे सीढ़ी लगाने का काम किया, क्योंकि बूढ़े बुजुर्ग लोग उन्होंने चलते हुए तकलीफ होती थोड़ी, इसलिए उन्होंने पहाड़ी का काम करके वो लोग अभी आराम से ऊपर चढ़ सकते आ जा सकते। और बूढ़ों की सबसे बड़ी समस्या होती है जब उनको पहाड़ी वगैरह चढ़ना होता है तो उन्हें बड़ी समस्या होती है, तो उसके निवारण के लिए यहाँ पर अन्ना जी ने काम किया और यहाँ पर सीढ़ी लगा के दी ताकि लोग जो है आसानी से ऊपर नीचे आ जा सके। आपसे जानेंगे जिस तरीके से यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या बताई जा रही है ट्रैफिक की,
एक बात हो गई या दूसरी हम बात करें तो पानी की हो गई, तीसरी बात अगर हम करें तो बिजली की हो गई या चौथी बात करें यहाँ के सड़क की हो गई, तो किस तरीके से आप लोग अब तक इस चीज़ों को लेकर नगर सेवक तक पहुँचे और किस तरीके की उन्होंने सुलझाया है इस चीज़ों को और आपकी बातों को सुना है उन्होंने अब तक? हम ये चाहते हैं कि यहाँ की समस्या यहाँ का लोकल कोई कार्पोरेटर चुन के आए और लोकल कोई कार्पोरेटर चुन के जो यहाँ की समस्या सुलझाए, क्योंकि यहाँ के लोग जहाँ भी जाते हैं उनको खाली आश्वासन मिलता है, कोई काम होता नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पर एक्स एम एल ए अन्ना जी मौजूद हैं जो लोगों को अब तक जो जितनी भी समस्या होती है उससे बाहर निकालने की बड़ी कोशिश की है उन्होंने। यहाँ पर महिलाएं हो, बुजुर्ग हो या फिर यहाँ के रहने वाले लोग हो, वो चाहते हैं कि अन्ना जैसे लोग यहाँ पर आएं और उनकी समस्याओं को सुने और उसे सुलझाने की कोशिश करें। सर, जिस तरीके से अगर हम बात करें, शिवसेना की नगर सेविका है यहाँ पर, लेकिन वो लोगों के बीच नहीं पहुँचती है, ना ही उनकी समस्याओं को सुनती है, ना ही उसे अब तक कुछ उन्होंने ऐसा किया है कि लोग उन्हें वापस दोबारा चुन कर लेकर आए, तो क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से जो है नगर सेवक का काम होता है लोगों की समस्याओं को सुलझाने का? ये कुरैशी नगर जब बस गया, काफ़ी एक 60-65 साल हो गए, जो ड्रेनेज लाइन वगैरह जो थी, एक वही ड्रेनेज लाइन आज ये कुरैशी नगर की आबादी 90,000 लाख तक हो गई, लेकिन वही ड्रेनेज लाइन की आबादी है। हम 5 साल थे शिव सृष्टि से लेके कुरैशी नगर में पानी लाने का काम किया, यहाँ पहाड़ पे जाने के लिए जो सीढ़ियाँ थी वो बनाने का काम किया, कांच वाली मस्जिद की सीढ़ियाँ हो या कुरैशी नगर ब्रिज के चिश्ती मस्जिद से सीढ़ियाँ हो, ये बनाने का काम किया, या काफ़ी जो किल्लत थी वो दूर करने का हमने काम किया। यहाँ नगर सेवक है वो भी शिवसेना के है, तो एक लोगों का ये रहता है ना कि भाई मुस्लिम समाज ये हमारे एंटी है, हमको इन्होंने वोट नहीं दिए, इसके लिए वो उनका काम नहीं करते। जिस तरीके से अगर कहें क्या धर्म को लेकर भी राजनीति हो रही है यहाँ पर, जिस तरीके से अगर कहा जा रहा है कम्युनिटी यहाँ पर मुस्लिम्स की है तो लोग कम ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर, तो राष्ट्रवादी पक्ष ये जो है ये पवार साहब का पक्ष है, इसमें सर्व धर्म समभाव के लोग काम करते हैं। कुरैशी नगर ने, मैं जब पहले टाइम इलेक्शन लड़ा, काफ़ी ताकत से मुझे जिताने का काम किया था, ये सब माता बहनें मेरे भाइयों और मेरे पिताजी लोग इतने अच्छे हैं कि इन्होंने काफ़ी तरह से यहाँ मेरे को लीड भी दिया, जिताने का काम किया। ठीक है, अगर सर कह रहे हैं तो क्या शिवसेना या बीजेपी के अलावा अगर कांग्रेस या एनसीपी का कोई यहाँ पर लीडर चुनकर आता है तो क्या ये समस्याएं सुलझ जाएंगी? हाँ, ये समस्या सुलझ जाएगी, क्यों तो हम 5 साल यहाँ का काम किए है, यहाँ की जनता काफ़ी अच्छी है और लोगों को एक दूसरे को बहुत अच्छा काम करती है, लोगों के हित का काम करती है। राष्ट्रवादी पार्टी के यहाँ पहले 5 साल मैं था और 10-12 साल हमारे राष्ट्रवादी का ही नेता थे, लेकिन जो हमने काम किया वो काफ़ी लोगों को यहाँ तकलीफ, ऐसा जो जो तकलीफ थी हम दूर करने का काम किया। जी बिल्कुल, इस तरह से कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर एनसीपी या कांग्रेस से कोई चुनकर आता है तो आने वाला समय उनका जो है काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि वो लगातार यहाँ पर लोगों के लिए काम करते हैं। लेकिन वहीं पर उन्होंने शिवसेना और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि केवल वो वोटिंग के लिए लोगों के बीच पहुँचते हैं, लेकिन उसके बाद उनका जो चेहरा है वो कभी दोबारा दिखाई नहीं देता है। रुकते हैं यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। जानना चाहते हैं आपसे कि यहाँ की सबसे बड़ी समस्या आप लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है? यहाँ की प्रमुख समस्या 3 थी, एक रास्ता, दूसरा ड्रेनेज, तीसरा पानी। नगर सेवक ऐसा चाहिए कि जो लोगों में घूमता रहे रात दिन और लोगों की जो सेवा करता है वही नगर सेवक चाहिए, ये खाली गाड़ी में बैठ के कांच बंद करके घूमने वाला नगर सेवक नहीं चाहिए। आवाज आपकी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस समय हम खड़े हैं वार्ड नंबर 170 पे, जहां की नगर सेविका शिवसेना की हैं, लेकिन अब तक वो यहां पर नहीं पहुंची हैं। समय देने के बावजूद भी वो अब तक यहां पर नहीं आई हैं, क्योंकि यहां पर लोग चाहते थे कि वो आएं, जिस तरीके की उनकी समस्याएं हैं उसे सुलझ जाएं और उनके सुनने की कोशिश करें कि आखिर वो किस किस चीज़ों को लेकर यहाँ पर कई दिनों से परेशान है, लेकिन वो अब तक यहाँ पर नहीं पहुँची हैं। पब्लिक से जानेंगे किस तरीके से नगर सेविका क्या यहाँ पर वोटिंग के बाद में आई है, क्या उनकी समस्याओं को सुनती हैं, क्या उसे सुलझाने की कोशिश करती हैं, ये लोग जब उनके पास जाते हैं क्या उनकी समस्याओं को सुनती हैं, आपसे जानेंगे जिस तरीके से यहाँ की नगर सेविका शिवसेना की है। बीएमसी में जिस तरीके अगर बात की जाए तो जो सत्ता होती है वो शिवसेना की होती है, चाहती तो वो आप लोगों का काम कर सकती थी, क्या वो आप लोगों की बातें सुनती हैं या आप लोगों का काम करती हैं? बिल्कुल नहीं सुनती हैं, यहाँ देखने के लिए भी उनके पास वक्त नहीं है। अगर उनकी सत्ता महानगर पालिका में होने के बावजूद
वो चाहती तो इतना फंड मुहैया करा सकी तो कुरेशी नगर का कायापलट होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता था। बिल्कुल, जिस तरीके से सबसे बड़ी समस्या अगर हम जानना चाहते हैं आपसे कि यहाँ की सबसे बड़ी समस्या आप लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है? यहाँ की प्रमुख समस्या तीन थी, एक रास्ता, दूसरा ड्रेनेज, तीसरा पानी। यहाँ के जो एक्स MLA मिलिनंदा कांबड़े थे जी, उन्होंने काफ़ी मेहनत करके पानी की समस्या तो हल कर दी है। लगभग 99% समस्या पानी की समाप्त हो चुकी है। रहा सवाल ड्रेनेज का और रास्ते का, ये पूरा डिपार्टमेंट महानगर पालिका में आता है और वो चाहती तो अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर सकती थी। और एक प्रमुख समस्या, ये हेल्थ कमेटी की चेयरमैन होने के बावजूद अगर आप बाबा हॉस्पिटल की जाके स्थिति देखेंगे तो इतनी दयनीय स्थिति है कि आज हमारे कुरला वासियों को या तो राजावाड़ी जाना पड़ता है या तो साइन जाना पड़ता है। यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए तो एक बड़ी समस्या जो है अस्पताल की है, क्योंकि लोगों का कहना है कि या तो उन्हें साइन या फिर राजावाड़ी अस्पताल जाना पड़ता है। भाभा हॉस्पिटल बगल में होने के बावजूद भी वो लोग वहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं। आपसे जानेंगे क्या सबसे बड़ी समस्या है और क्या चाहते हैं नगर सेविका क्या करें आप लोगों के लिए? नगर सेविका ने तो आज तक कुछ नहीं किया। हम गए, हम तो मतलब 5 साल में शायद 1 या 2 दफ़ा ही देख पाए हैं उनको। यहाँ की प्रमुख समस्या तो गटर की है, पानी की है, रास्ते की है। हम चाहते हैं कि राष्ट्रवादी पक्ष को किसी ऐसे कैंडिडेट को हमको दे ताकि हम उनको जो जिता के लेके आए। और इस आज की तारीख में रफीक भाई जैसा उम्मीदवार हमको सबसे बेहतरीन लगता है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर आप कह रहे हैं कि NCP से कोई ऐसा लीडर चुन गया, क्या शिवसेना या BJP पर भरोसा नहीं है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने देख लिया, हमने अपना पास्ट तो देख लिया है। हम चाहते हैं हमारा फ्यूचर खराब ना हो। जी बिल्कुल, पास्ट उन्होंने देख लिया, फ्यूचर खराब ना हो इसके लिए वो चाहते हैं कि ऐसा कैंडिडेट आए जो उनकी समस्याओं को सुने। आपसे जानेंगे क्या क्या समस्याएं आप लोगों के इलाके में हो रही हैं और किस किस तरह से आप लोग नगर सेविका के पास जाते हैं और क्या क्या चीज़ें वो आप लोगों के लिए करती हैं? देखिए, ऐसा है कि यहाँ पे जो समस्याएं हम लोगों की ये तो काफ़ी है, लेकिन अब बता के मतलब नहीं बनता। हम लोगों ने पास्ट देख लिया अपना, लेकिन हम लोगों का ऐसा सोचना है कि रफ़ीक इदरीसी साहब हमारे जो कैंडिडेट जो अभी खड़े हमारे हो रहे हैं इनको पार्टी टिकट दे। पब्लिक भी यही चाहती है कि रफ़ीक इदरीसी को टिकट मिले, क्योंकि रफ़ीक इदरीसी साहब टिकट लेकर आएंगे तो इंशाल्लाह ताला हम लोग भी पूरी कोशिश करेंगे कि अरे भाई हम लोग रफ़ीक इदरीसी साहब को लेकर आए। किस तरीके से अगर कहें आप लोग उनको लाना चाहते हैं BJP या शिवसेना की अगर हम बात करें तो क्या आप लोग भरोसा नहीं रखते उनके ऊपर कि जिस तरीके से लगातार नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो लगातार कहते हैं कि स्वच्छता अभियान चलाया जाता है, हर जगह पे स्वच्छता अभियान डे मनाया जाता है, तो क्या उस तरीके से कुरला इलाके में इस तरह की कोई साफ सफाई की चीज़ें हुई हैं आप लोगों के यहाँ पर या नगर सेविका या और कोई लोग यहाँ पर पहुँचे हैं? हमारे हिसाब से तो नहीं पहुँचे, मेरे भाई ने जो कहा वो हिसाब से मैं इनके बात से सहमत हूँ और इसीलिए हम लोग रफ़ीक साहब को और मतलब लाना चाहते हैं। हमारे हम लोगों की यही कोशिश है एरिया वालों की कि क्योंकि इन्होंने हमारे साथ इतना दिया है भाई ने कि इसके लिए एरिया वाले उनका साथ देने सपोर्ट करने के तैयार है हम लोग। तो हम लोग चाहते हैं जो उम्मीदवार अगला खड़ा हो महानगर पालिका तो हमारे रफ़ीक भाई हो। जी बिल्कुल, आपसे जानेंगे चाचा कितने सालों से आप यहाँ पर रह रहे हैं और सबसे बड़ी समस्या बताइए यहाँ पर क्या क्या है? मैं ये समझता हूँ मेरे सामने इन 5 सालों के अंदर अगर किसी ने कुछ काम किया है तो हमारे माझी उम्मीदवार साबिक उम्मीदवार मिस्टर मिनिंद अन्ना कांबले साहब ही ने कुछ काम किया है। बकिया और दीगर जितनी भी पार्टियों के उम्मीदवार आए उन्होंने सिर्फ थूक चटाने वाला काम किया है और कुछ भी नहीं। इसलिए इस वक्त यहाँ पूरी 2 लाख की आबादी है या कुरेश नगर की, इस 2 लाख की आबादी में एक गूंज उठी है कि अगर यहाँ पर कोई उम्मीदवार हो तो मुकामी उम्मीदवार हो और इसके अलावा कोई नहीं। इसीलिए मैं राष्ट्रवादी के मुख्य लोगों से मैं कहूँगा, अनुरोध करूँगा कि वो लोग इस यहाँ के मुकामी उम्मीदवार खुसूसन ख़ास तौर से हमारे हाजी रफीक इदरीसी साहब को चुनाव के लिए टिकट दें। और सर आपने बताया कि जिस तरीके से ईस्ट और वेस्ट में जाने के लिए एक ब्रिज की समस्या बड़ी हुई थी तो किस तरीके से आप लोगों ने उसे सुलझाने की कोशिश की? जी हाँ, ईस्ट और वेस्ट में एक पुल था जिसको बनाने के लिए 3 माह का वक्त दिया गया था, लेकिन वो 6 माह बाद भी बड़ी मुश्किलों से रफीक इदरीसी साहब और दीगर बहुत सारे लोगों की कोशिशों से जब बना तो उसको उसके रिबन काटने के लिए कुछ मखसूस लोगों को बुलाया जा रहा था, लेकिन रफीक इदरीसी और मिलिंद अन्ना कांबले साहब ने लड़ झगड़ करके उसको फौरन चालू करवाया ताकि ये आम लोगों की सहूलत के लिए हो जाए। वरना जितनी दिक्कतें उन बच्चों ने औरतों ने उठाई हैं ये सिर्फ वही जानती हैं। जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो महिलाओं को होती है, क्योंकि जब ट्रैफिक होता है तो लोगों की भीड़ बढ़ जाती है, उस भीड़ से निकलते समय काफ़ी महिलाओं को दिक्कत होती है। आपसे जानेंगे जिस तरीके से कहा जा रहा है कि नगर सेविका यहाँ पर आती नहीं, एक महिला होकर वो महिलाओं की समस्याओं को सुनती नहीं है, तो क्या चाहते हैं इस बार जब नगर सेवक आए तो किस तरीके से महिलाओं के लिए खास करके यहाँ पर काम किया जाए? देखो इस बार जो भी चुन के आएगा वो एक फैमिली वाला होता है, उसके भी घर में बहन माँ बहुत रिश्ते उसके वहाँ भी छोटे मोटे वर्ड हैं,
तो जो भी चुन के आएगा उसको पहले सबसे ज़्यादा महिलाओं का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी बेटियां, हमारे छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल्स कॉलेज जाते हैं, जब आपने भी इसके पहले थोड़ी देर पहले ईस्ट और वेस्ट की बात की है, तो हमारे कई पीछे देखे जाएंगे तो कई हमारे बच्चे लोग ट्रेन से कट गए हैं। आप लिस्ट निकालेंगे, आप रेलवे प्रशासन से मालूम करेंगे तो रोज़ कुछ ना कुछ होता है। ये तो हमारे लोग ऐसे थे, राष्ट्रवादी के मिलिंद अन्ना कामले बोलो या रफीक इदरीसी बोलो या काकड़े ताई बोलो, इन्होंने हमेशा लोगों को कंधे से कंधे मिला के उन्होंने पार्टी का काम किया है और हमेशा अच्छी तरह से। बाकी जो 15-15 साल से जो सत्ता पे रहे, चाहे शिवसेना और बीजेपी की हुकूमत है, उन्होंने आज तक मुस्लिम लोग को एक ऐसा समझा है कि ये मुस्लिम कम्युनिटी ऐसी है कि सब आतंकवादी और टेररिस्ट है, कभी वो आते नहीं है। और जब कोई लोग मजबूरी में उनके पास जाता है तो वो कहते हैं कि तुमने हमको वोट दिया था क्या, हम तो ऐसे ही जीत गया तो हम तुम्हारा काम क्या करें। तो सर्वधर्म जो मानता है, सर्वधर्म मानेगा वही लोग यहाँ के चुन के आना चाहिए। यहाँ से हमारे कह रहे हैं यहाँ पर धर्म के नाम पर लोगों का कहना है कि राजनीति हो रही है, मुसलमान लोग हैं यहाँ पर, उनका कहना है कि यहाँ पर कम्युनिटी जो है सबसे ज़्यादा मुस्लिम की है, इसके लिए यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन एक चीज़ कहेंगे, जिस तरीके से कहा जाता है कि हर दाढ़ी रखने वाला आतंकवादी नहीं होता और हर धोती पहनने वाला गांधी नहीं होता, आपसे जानेंगे जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं क्या क्या समस्याएं हो रही हैं। अभी तक मैंने देखा है कि जिस तरह से यहाँ के गरीब तबके के लोगों को नज़रअंदाज किया जाता है, इसकी वजह यह है कि एक मुसलमान है, मुसलमान की हैसियत से इन पर इनके वोट कोई भी काम के लिए जब पहुँचते हैं तो इनसे इनके उम्मीद की जाती है कि आपने हमें वोट नहीं दिया था। और जैसा कि यहाँ पर माशरे में बच्चों की तालीम की कमी है, जिससे कि बच्चों को पाया जा रहा है, बच्चों को जाने के लिए बराबर से सहूलतें नहीं होती हैं, कॉलेज में बच्चियाँ महफूज नहीं हैं। आज हमारी औरतें अगर किसी बीएमसी हॉस्पिटल में जाती हैं तो उन्हें कहा जाता है कि आप नकाब उतारिए, अपना नोज पीस उतारिए। क्या पर्दा करना हमारे लिए ख़राब बात थी, जो हमें हर चीज़ों पर पाबंदी लगाई जा रही है। जिस तरीके से यहाँ पर उनका कहना है कि बच्चों के शिक्षा के लिए भी बड़ी समस्याएं होती हैं, उन्हें यहाँ पर सही तरीके से जो है शिक्षा नहीं मिल पाती, क्या कहना चाहते हैं आप? कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं? कम से कम 15 साल से रह रहा हूँ। इधर जो है सबसे बड़ी समस्या है रोड पानी का, सबसे बड़ी समस्या रोड का है। इधर आने जाने के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ है, इतना तकलीफ है जी। बिल्कुल आपसे जानेंगे रफीक जी, जिस तरीके से यहाँ पर लोग बड़ी परेशानियों में जी रहे हैं, बड़ी दिक्कत के साथ जीना उन्हें पड़ रहा है, तो क्या है आपका प्लान आने वाले दिनों में, अगर आप चुन के आते हैं तो लोगों के लिए किस तरीके से काम करेंगे? अगर मेरे को पार्टी ने मौका दिया, लोगों ने मौका दिया, तो इंशाल्लाह मैं आने वाले वक्त में गटर, पानी, मीटर, रोड, इधर मार्केट का भी प्रॉब्लम है, सब मैं हल करने की कोशिश करूंगा। और लोगों का साथ रहा तो मैं डेवलपमेंट की भी बात करूंगा जी। और जो भी इधर लोगों के मसाइल है, स्कूल है, गटर है, सब मैं हल करने की कोशिश करूंगा जी। बिल्कुल छोटे से वर्ड में आपसे जानेंगे, अगर जिस तरीके से यहाँ पर कहा जा रहा है कि बड़ी समस्या है, तो नगर सेवक कैसा होना चाहिए और किस तरीके का काम करना चाहिए, बहुत कम शब्दों में? नगर सेवक ऐसा चाहिए कि जो लोगों में घूमता रहे रात दिन, और लोगों की जो सेवा करता है वही नगर सेवक चाहिए। ये खाली गाड़ी में बैठ के कांच बंद करके घूमने वाला नगर सेवक नहीं चाहिए, पैदल केवल केवल गाड़ियों में घूमने वाला यहाँ पर नगर सेवक नहीं चाहिए, सड़कों पर चढ़कर लोगों के लिए काम करने वाला नगर सेवक चाहिए, ऐसा लोग यहाँ पर चाहते हैं कि इस बार उनके जो कैंडिडेट आए जीत के वो इस तरीके से लोगों के बीच पहुंचे और उनके लिए काम करे। कल फिर हाजिर होंगे किसी और मोहल्ले में किसी और लोगों के साथ, उनकी समस्याओं के साथ। आज के लिए बस इतना ही, मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।